नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रथम द्वितीय और तृतीय गोल में सम्मेलन मतलब राउंड टेबल मीटिंग जो कि इंग्लैंड में आयोजित की गई थी, यह पहली और पहला अवसर था जब भारतीयों को बराबर का दर्जा देते हुए उनसे बातचीत उनके अधिकारों के विषय में पूछा जा रहा था। और ये सब हो रहा था गांधी जी के नमक सत्याग्रह की वजह से और कुछ भड़के हुए आंदोलनों की वजह से जो कि पूरे देश में आपके फैल चुके थे, और अंग्रेजों का जो भी क्रियान्वयन या जो भी कार्य भारत में किया जा रहा था वो विदेशी पत्र पत्रिकाओं में भी संपादित होना शुरू हो चुका था। अब क्या हुआ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में अंबेडकर और गांधी जी का दोनों का विचार जो था वो आरक्षण को लेकर के, जो वंचित वर्ग था, जो अल्पसंख्यक थे, उनके आरक्षण को लेकर के वो दोनों असहमत थे। इसीलिए पूना पैक्ट जो है 1932 में आयोजित किया गया और इसमें आपका गांधी जी और अंबेडकर इन दोनों ने मिल करके कुछ निर्णय लिए। उसके महत्वपूर्ण फैक्ट को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पृथक चुनाव आरक्षण की डिमांड करते थे, ठीक है। वो चाहते थे कि वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनको चुनाव में अलग से आरक्षण प्रदान किया जाए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए अंबेडकर ने एक आपका पूरा रिपोर्ट पेश किया था इरविन साहब को। इरविन उसमें आपका भारत का वायसराय हुआ करता था। तो इरविन को अंबेडकर ने एक पत्र लिखा, एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि हम वंचित वर्ग के लोगों को आपके द्वारा चुनाव में पृथक आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी है और उसमें हमारा जो भविष्य है वो उज्ज्वल दिखाई नहीं देता। तो गांधी जी इससे असहमत थे। उनका मानना था कि एक बार हमें आपस में बात करनी चाहिए थी। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मैकडोनल्ड ने से गांधी जी से पूछा गया कि क्या आप पृथक आरक्षण को लेकर के सहमत हैं। तो गांधी जी ने अपनी सहमति जाहिर नहीं की थी। फिलहाल पीएम मैकडोनल्ड जो थे वो इस बात को लेकर के सहमत थे कि हाँ, वंचित वर्गों को पृथक आरक्षण दे देना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से अंबेडकर साहब की मांग को स्वीकार कर लिया गया। माइनॉरिटी व वंचित वर्गों को क्या हुआ कि उनको जो अधिकार मिलने थे वो आपका दिए जाने का वादा किया जा चुका था, लेकिन गांधी जी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। आपको पता होगा कि ये जो आरक्षण प्राइम मिनिस्टर मैकडोनल्ड साहब ने जो स्वीकार किया था वो इरविन के द्वारा पेश किया गया था और अंबेडकर की सिफारिश पर, अंबेडकर के रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए प्राइम मिनिस्टर मैकडोनल्ड ने इस बात पर सहमति जाहिर कर दी थी कि हाँ, पृथक आरक्षण होना चाहिए। लेकिन गांधी जी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उस समय गांधी जी आपका जेल में होते थे, लेकिन पूना जेल में होने के बावजूद उन्होंने भूख हड़ताल किया और वहीं पर भूख हड़ताल पर आमरण अनशन कर लिया था। मतलब गांधी जी नमक सत्याग्रह की वजह से आपका उनको बंद कर लिया गया था जेल में हजारों लोगों के सामने, और पूना जेल में उनको रखा गया था। तो उन्होंने इस बात को लेकर के जब उनको इसकी सूचना मिली तो वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। मजबूरन क्या हुआ, पब्लिक प्रेशर में आकर के अंग्रेजों को आमरण अनशन भूख हड़ताल को समाप्त करवाना पड़ा। और यहीं से शुरुआत होती है पूना पैक्ट की, जिसमें गांधी और अंबेडकर के बीच कुछ मेमोरेंडम साइन किए गए जिसमें कुछ बातों पर सहमति बनी। अब क्या सहमति बनी थी उसको समझते हैं। सहमति ये बनी कि प्रांतीय चुनाव जो होंगे उसमें सीटों को रिजर्व कर किया जाएगा, ऐसी बातें तय हुई। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में चुनाव हो रहा है, तो अगर 100 सीट है तो उसमें कुछ परसेंट जो है वो सीटें रिजर्व करी जाएगी केवल वंचित वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ने के लिए। गांधी जी हिंदुत्व के अलावा किसी और आधार पर विभाजन नहीं करना चाहते थे, इसीलिए गांधी जी ने कहा कि हिंदू के अलावा किसी अन्य तरीके से आप आरक्षण मत मांगिए, हम उसमें ही आपको स्पेशल आरक्षण देने की डिमांड को पूरा करते हैं। तो इसी को लेकर के आपका ये सीट निश्चित की गई। तो निश्चित जो सीटें थी वो रिजर्व कर दी गई वंचित वर्गों के लिए। प्रांतीय कुल सीटों के आधार पर उनके सीटों की व्यवस्था का निर्धारण होता था। मैंने पहले भी बताया कि हर प्रांत में अलग अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से एक रिजर्व कोटा बना दिया गया जिसमें कि केवल वंचित वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते थे। अब जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें तो उसमें 30 सीटें आपका पृथक आरक्षण के तहत दी गई, पंजाब में 8 दिया गया, बॉम्बे में 30 दिया गया, असम में 7 दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंस में 20 सीटें दी गई। कुल मिलाकर के 147 सीटों को उस समय रिजर्व कर दिया गया। अब कैसे इन लोगों का चुनाव होगा, कौन आपका रिजर्व सीट में लड़ेगा, उसके लिए एक आपका इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया जिसमें केवल SC ST लोग थे, जो वंचित वर्ग थे वही आपका इलेक्टोरल कॉलेज में सदस्य होते थे। अब उसमें 4 लोगों की पैनल की एक सदस्य चुना जाता था, मतलब लोग मिल करके ही वोटिंग करते थे। उसमें 4 लोग जो जिसको सबसे अधिक वोट मिलता था वो वहाँ पे क्या करते थे कि वो आगे के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। अब सिंगल वोट के आधार पर उनका चयन होता था, जो ज़्यादा वोट पाता था वो आपका सदस्य चुन लिया जाता था। अब ये आदमी चयन ही हुआ है उसका, वो तो मात्र इसलिए चयन हुआ है कि वो चुनाव में भाग ले सकता है।
अब ये चार जो सदस्य चुने गए हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव में खड़े होते थे। ये चारों सदस्य चुनाव में खड़े होते थे, इस तरीके से उन्हें डबल वोट प्राप्त करना होता था किसी भी सदस्य के चुनाव जीतने के लिए। यही व्यवस्था जो है आपका सेंट्रल इलेक्टोरल सिस्टम में भी तय किया गया। 19% सीटों को रिजर्व करना तय किया गया कांग्रेस की तरफ से। अब कोई भी वोट कर सकता था लोकल चुनाव में, पब्लिक सर्विस में, ठीक है। यहाँ तक कि अगर बात किया जाए चुनाव में ही नहीं बल्कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपका आरक्षण लागू कर दिया गया, रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। शिक्षा हेतु अलग से धन प्राप्त होगा वंचित वर्गों के लिए, ऐसी बातें तय की गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम भारत सरकार अधिनियम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।